ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। नमस्कार, प्रातःकाल लाइव में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, इन दिनों तीसरी लहर का प्रकोप पूरा देखा जा रहा है, खास करके मुंबई में इसका प्रभाव बड़ी तेजी से हो रहा है। हालांकि आंकड़े ये बता रहे हैं कि पिछले दो दिनों से ये लहर कुछ कम हुई है। मित्रों, ये तीसरी लहर बहुत सारी चीज़ों को परेशान किए हुए हैं। खासतौर पर राजस्थानी समाज की अगर बात करें तो सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियाँ बिल्कुल थीथिल नजर आती हैं। ये दौर वो है जब राजस्थानी समाज के गाँव के, जिले के, तहसील के, पंचायत के और ग्राम पंचायतों के स्नेह सम्मेलन मुंबई में हुआ करते थे, लेकिन दो वर्ष से ये स्थिति बिल्कुल उलट हो चुकी है। हालांकि हाल ही के दिनों में कुछ गांवों के स्नेह सम्मेलन हुए हैं। इन स्नेह सम्मेलनों के माध्यम से हम परिवार के लोग मिलते थे, गांव के लोग मिलते थे, पंचायत के लोग मिलते थे और इन्हीं दौरान बहुत सारी गतिविधियां आयोजित होती थी। कभी कभी तो रिश्ते नाते भी इन स्नेह सम्मेलनों में हो जाया करते थे। इस कोरोना काल में राजस्थान के प्रवासी समाज के ऊपर किस प्रकार का प्रभाव गिरा है, इन तमाम चीज़ों को जानने के लिए आज हम इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। इस तरफ विराजमान हैं हमारे साथी पत्रकार नरेश आमिटा जी और इस तरफ हैं साथी पत्रकार सीमा पारिख जी। तो आज हम इस परिचर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं नरेश जी से जानना चाहूँगा कि इस कोरोना से हमारे प्रवासी समाज के स्नेह सम्मेलनों पर किस प्रकार का दुष्प्रभाव गिरा है। नमस्कार। नमस्कार जी। तो नरेश जी, हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या महसूस कर रहे हैं और क्या कारण है कि दो सालों में हम लोग कितने पीछे चले गए। मनीष जी, स्नेह सम्मेलन प्रवासियों के लिए एक उत्साह त्यौहार जैसा है माहौल होता है। लोग साल भर से इस दिन का इंतजार करते थे कि हमारे गांव का स्नेह सम्मेलन होगा। स्नेह सम्मेलन हम अनेक तरह की गतिविधियों को करेंगे। पिछले दो वर्ष से स्नेह सम्मेलन नहीं हो रहे हैं कोरोना की वजह से, कोरोना काल के कारण नहीं हो रहे हैं। इससे बहुत सारा नुकसान परिवहन क्षेत्र से, कैटरिंग व्यवसाय से या अन्य क्षेत्र को देखें तो उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और प्रवासियों का मेल जोल भी कम हुआ है। लेकिन प्रकृति की इस प्रकोप को झेल करके जैसे तैसे इसको पूरा कर रहे हैं। लेकिन कैटरिंग व्यवसाय से जो भी जुड़े होते थे तो उनको बेरोजगारी का माहौल जैसा हो रहा है। इसके अलावा परिवहन, जो बसों से तीन तीन चार चार बस करके स्नेह सम्मेलन के लिए पहुंचते थे रिसोर्ट वगैरह, तो वहाँ पहुंचने के लिए जो परिवहन वालों का जो लेन देन होता था तो उससे उनको वो भी नुकसान हो रहा है। तो इससे नुकसान तो हुआ ही है, भविष्य में आने वाला समय ऐसा लग रहा है। नरेश जी, आपने बहुत सारे स्नेह सम्मेलनों को कवरेज किया है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि सुबह से शाम तक जो ये स्नेह सम्मेलन चलते थे उसमें क्या क्या गतिविधियाँ होती थी। सबसे पहले यहाँ से बसों से सुबह जल्दी उठ करके निकलते थे रिसोर्ट या जहाँ पर भी स्नेह सम्मेलन धार्मिक स्थलों पर होते थे, वहाँ पर पहुँच करके पहले भव्य स्वागत होता था गेट पे। बिल्कुल। स्वागत के पश्चात अंदर प्रवेश वेलकम होता था, वेलकम के साथ में नाश्ता, नाश्ते के बाद में सभी गतिविधियाँ शुरू होती थी, जो दैनिक गतिविधियाँ शुरू होती, जिसमें स्विमिंग, खेल, अलग अलग तरह की खेल की प्रतियोगिताएँ। और दोपहर का खाना होने के बाद, खाने में भी राजस्थानी प्रवासी होने के, मेवाड़ प्रवासी होने के नाते अनेक तरह के व्यंजन बनते थे जो वास्तव में स्वादिष्ट व्यंजन होते थे। तो भोजन करने के पश्चात फिर एक सभा होती थी जिसमें जो खेल प्रतियोगिता होती थी उनके सम्मान करना, तपस्वियों के सम्मान होते थे और जो भी छात्र छात्राएँ उस वर्ष में अव्वल आए हैं, 10वीं 12वीं या अन्य किसी भी क्षेत्र में अव्वल आए हैं, उनको पारितोषिक प्रदान किया जाता था। उसके बाद में अध्यक्ष मंत्री के, कई गांवों के स्नेह सम्मेलन में मंत्री अध्यक्ष के चुनाव होते थे, तो चुनाव की घोषणा होने के बाद में अध्यक्ष का चयन होता था, नए अध्यक्ष का चुनाव होता था और बड़े उत्साह उमंग के साथ में वो फिर शाम का नाश्ता करके, शाम का खाना लेकर के फिर वहाँ से, मतलब मुंबई में अलग अलग जगहों पर बिखरे हुए तमाम प्रवासी इस दौरान इकट्ठे होते थे और वो बचपन की यादें, वो जवानी की यादें और बुज़ुर्ग जो होते थे वो भी मिलते थे। क्योंकि अक्सर हुआ क्या है कि बहुत सारे बुज़ुर्ग जो हैं हमारे, ये सर्दी के मौसम के दौरान प्रवासी अपने गांव से बुज़ुर्ग माता पिता को यहाँ बुला लेते थे और सर्दी के दौरान ये सीज़न शुरू होता था, अक्टूबर से ये स्नेह सम्मेलनों का दौर शुरू होता था जो फरवरी मार्च तक चलता था। नरेश जी, एक बात और बताएं कि अब स्नेह सम्मेलन हो नहीं रहे तो अब प्रवासी क्या गतिविधियां संचालित कर रहे हैं उन तमाम चीज़ों के लिए। अभी तो गतिविधियां कुछ थम सी गई हैं क्योंकि
सरकार की गाइडलाइंस का पालन करना पड़ रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ रहा है। तो इस हिसाब से अभी तो कुछ रुकी हुई है, लेकिन आने वाला समय हम उन प्रवासियों के लिए यही दुआ करते हैं कि अच्छा आए और वापस मेल मिलाप होए, अभी उसी उत्साह उमंग के साथ स्नेह सम्मेलन का उत्साह बढ़े। बिल्कुल नरेश जी ने आपको बताया कि स्नेह सम्मेलन एक राजस्थान की बहुत विशिष्ट पहचान है। हालांकि मुंबई में बहुत सारे समाज रहते हैं, उत्तर भारतीय रहते हैं, दक्षिण के रहते हैं, पूर्व पश्चिम के बहुत, मगर राजस्थानी समाज में ये कल्चर बहुत पुराने समय से पाया जाता है कि वो अपने गांव के स्नेह सम्मेलन आयोजित करते हैं। सीमा जी, सीमा पारिक जी हमारे बीच हैं, जो एक हाउसवाइफ भी हैं। लॉकडाउन के बाद परिवार में, परिवार के किचन में किस तरीके का असर हुआ ये इनसे जानते हैं, किस तरीके का असर आया है किचन पर। कोरोना के कारण तो पूरे देश में ही असर हुआ है, हम सब जानते हैं। और 2020 में कोरोना आया था, लेकिन आज तक भी उसका प्रभाव हम सब झेल ही रहे हैं। अगर मैं एज अ वर्किंग वूमेन और एज अ हाउस वाइफ बात करूं किचन की, सबसे पहले घर की जो मेन चीज़ है वो किचन ही है जी। जैसे कि पहले हम कहते थे कि दाल रोटी खाओ, लेकिन आजकल वो दाल रोटी भी इतनी महंगी हो गई है कि मुझे लगता है कि महंगाई के कारण वो दाल चावल के जो भाव हैं वो भी इतने बढ़ गए हैं। सब्जियां आप देखो मार्केट में, लेडीज़ को समझ में नहीं आता है कि कौन सी सब्जियां लें, कोई भी सब्जी सस्ती नहीं है। अनाज के दाम आप देखोगे, ओवरऑल महंगाई इतनी बढ़ गई है। वैसे भी कोरोना में हम सबकी सेविंग ख़त्म हो चुकी है, अब तो डेली जो डेली रूटीन की चीज़ें हैं वो भी इतनी कॉस्टली हो गई है कि हमको सोचना पड़ता है कि कौन सी चीज़ प्रायोरिटी लेवल पर खरीदें या नहीं खरीदें। लेकिन अब घर चलाना तो महिला की प्रायोरिटी है, तो घर में हर एक चीज़ की ज़रूरत होती है। तो मेरा जानना है कि जैसे आपने बताया कि बजट सीमित हो गया, हमारी सेविंग्स खत्म हो गई, तो क्या हमारे खाने पीने के अंदाज में कुछ परिवर्तन हुआ है? देखिए, खाने पीने के अंदाज में परिवर्तन हुआ है, जैसे कि हम जो चीज़ें पहले बहुत बना लेते थे और हमेशा ऐसे सोचते थे कि चलो तीज त्यौहार आ रहे हैं उस पर हम जैसे मिठाइयाँ बना रहे हैं तो और भी लोगों को, हमारे आस पड़ोस के लोग हैं उनको देंगे, हमारे रिश्तेदार जो हैं उन एक चीज़ों में कमी आई है। और पहले घर में कुछ भी हमेशा सीमित नहीं बना करता था कि आगे के दिन के लिए और हम रख सकते हैं, लेकिन अब वो सब सीमित बनाना पड़ता है ताकि कोई भी चीज़ वेस्ट ना हो, क्योंकि चीज़ें इतनी महंगी आ रही है। ये हर एक महिला का उद्देश्य हो गया है कि उतनी ही चीज़ घर में बनाई जाए जितनी ज़रूरत है जी। सीमा जी, आप बहुत सारे राजस्थानी इवेंट्स को कवर करती हैं और ख़ास करके हमारे जो राजस्थान के विभिन्न हिस्सों की जो महिलाएं यहाँ पर सामाजिक संगठन चलाती हैं उनमें आपकी गहरी पैठ और पकड़ है। तो स्नेह सम्मेलनों के विषय में तो नरेश जी ने बताया, और महिलाओं के भी कार्यक्रम एक अलग से चलते थे जिसमें सिर्फ महिलाएं आयोजित करती थी, जैसे गणगौर हो गई, तीज हो गई, अन्य बहुत सारे। तो वो जो महिलाओं की प्रतिभा है या उनके अंदर के जो मन के भाव हैं उसके लिए क्या रास्ता ढूंढा उन्होंने? देखिए, एक तरह से तो सारे सामाजिक कार्यक्रम तो बंद हो ही गए, लेकिन महिला हर जगह अपना रास्ता ढूंढ लेती है कि अगर ये नहीं तो वो कैसे, ये महिलाओं को महारत हासिल है। तो अभी जो डिजिटलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया है वो बहुत ही अच्छा है। महिलाएं भले ही सामाजिक गतिविधियां बाहर नहीं कर पाती है, बाहर नहीं जा पाती है, लेकिन वो घर पर जूम के माध्यम से बहुत सारे प्रोग्राम्स मैंने देखे हैं कि महिलाओं ने किए हैं, और बहुत सारे कार्यक्रम वो जूम पे ही आयोजित कर लेती हैं। हाँ, जो हम बाहर नहीं जाते थे, पहले किटी पार्टीज महिलाओं की बाहर होती थी, वो होटल में नहीं रख के वो लोग अपने घर पर भी रखते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें महिलाओं ने अपने घर को ही ऐसा साधन बना लिया है जहाँ पे मीटिंग्स हो सकती है, और जूम मीटिंग डिजिटलाइजेशन अभी का बेस्ट ऑप्शन है। तो महिलाएँ डिजिटल जूम मीटिंग का सहारा लेकर वो आगे भी बढ़ रही हैं और अपने जो भी सामाजिक प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, कर रही है। ये बात और है कि सामाजिक कार्यक्रमों का जो मज़ा है वो हमेशा बाहर जैसे कि कोरोना के पहले हुआ करता था वैसे ही है जी। लेकिन कुछ चीज़ें बंद हुई है तो कुछ चीज़ें नई खुली भी हैं। ये कोरोना खत्म हो जाएगा और कोरोना इतिहास का एक हिस्सा बन जाएगा, तब क्या ये तमाम गतिविधियाँ उसी अंदाज में शुरू हो जाएगी या उसमें कोई परिवर्तन होगा? नहीं, देखिए कि अभी बहुत सारे, जैसे कि अभी हम डिजिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट ने बहुत सारी चीज़ें हमको नई दी हैं। जैसे कि आप जाते हैं ऑफिस में, पहले बहुत सारे लोग काम किया करते थे, लेकिन अभी कम स्टाफ के साथ डिजिटलाइजेशन से लोगों को घर बैठकर ऑफिस का जो वर्क फ्रॉम होम कॉन्सेप्ट है जी। वो अगर पहले देखा जाए कोरोना के पहले तो वर्क फ्रॉम होम हम सिर्फ बाहर की कंट्रीज़ में देखते थे, लेकिन अब ये भारत का भी एक हिस्सा बन गया है।
हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसे हैं मनीष जी की जो अच्छी चीज़ें हैं डिजिटलाइजेशन, वो चलते रहेंगे आगे तक भी। जहाँ तक रहा सामाजिक कार्यक्रमों का, तो महिला हो पुरुष हो सबको ऐसा लगता है कि बाहर जाकर कुछ करना, आप जैसे कि अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा पजल रहते हैं, जब भी आपको शादियों में या फिर सामाजिक कार्यक्रमों में जाने का मौका मिलता है तो कोई उसको होना नहीं चाहेगा, तो ये बात तो है। धन्यवाद सीमा जी। सीमा जी के बाद हम इस परिचर्चा को वापस नरेश जी की तरफ मोड़ते हैं। नरेश जी, आप ये बताइए कि इन जो सामाजिक फंक्शंस होते हैं हमारे प्रवासियों के, इसमें खास तौर पर कुछ व्यंजन बनाए जाते हैं जो राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में बड़े मशहूर हैं, और उनको बनाने वाले भी राजस्थान से बुलाए जाते थे, तो वो कौन कौन से व्यंजन थे जो यहाँ बनाए जाते थे या बनाए जा रहे हैं? मनीष जी, राजस्थानी खास तौर से मिठाई के में घेवर को ज़्यादा पसंद करते हैं। घेवर बनाने वाले कारीगर या तो आगरा से आते हैं या फिर ब्यावर से उनको विशेष तौर से बुलाया जाता है। हालांकि यहाँ पर भी बहुत सारे हैं, लेकिन जो स्वाद राजस्थानियों को लगा हुआ है वो राजस्थान से ही जो कारीगर हैं उनको बुला करके किया जाता है। और एक सबसे बड़ा यह है कि जकोलमा पूड़ी, पूड़ी जो होती है वो जकोलमा पूड़ी होती है वो खाने का मेवाड़ भी देखा जो ब्यावर से कारीगर आते हैं और वो जकोलमा पूड़ी बड़ी पूड़ी बना करके तेल में फ्राई करके उसके फिर कटिंग करके सर्व किया जाता है। तो ये व्यंजन बहुत स्वादिष्ट है। उसके बाद में मकई की राब हुई और ये बनती है मकई की राब। उसके बाद में जो भी अपने जैसे कचौरी वगैरह जो पसंद होते हैं, मेनू पूरा राजस्थान से मेवाड़ से जुड़ा हुआ होता है। दाल बाटी चूरमा, इसका भी लोग बहुत आनंद लेते हैं। तो दाल बाटी तो यूनिवर्सल चीज़ है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो उसको भी पूरा मतलब उस स्नेह सम्मेलनों में बनाते हैं और बड़े आनंद से स्वाद का आनंद लेते हैं। नरेश भाई, स्नेह सम्मेलनों में जो तपस्वियों का सम्मान होता था और छात्र छात्राओं का जो सम्मान होता था, उसका क्या क्राइटेरिया होता था? मतलब तो नरेश जी ये जानना चाहते हैं कि बेसिक अट्ठाई क्या होता है, हमारे दर्शकों को बताएं। अट्ठाई में 8 दिन की जो तपस्याएँ होती हैं, 8 दिन तक कुछ भी नहीं खाना पीना होता है, खाली पानी पर 8 दिन निकालते हैं और फिर उसके बाद में पालना करते हैं। तो पालने में बहुत सारे मेहमान वगैरह आते हैं, उनको शक्कर का पानी वगैरह सब कुछ पिलाते हैं जी। तो ये है अट्ठाई के बाद में उससे आगे की भी तपस्याएं होती हैं। तो उन तपस्वियों का जिस गांव का स्नेह सम्मेलन या जिस समाज का जिस संस्था का स्नेह सम्मेलन हो रहा है उसमें उनको सम्मानित किया जाता है। आपने भी अपने जीवन में कोई तपस्या वगैरह की है? अब मैंने तो अभी तक तो कोई तपस्या की जरूरत नहीं पड़ी है, पर फिर भी आगे देख करके करने की इच्छा है। अच्छी, बहुत अच्छी बात है। अब दूसरा, एक जैसे जैन समाज के अलावा भी जो यहाँ इतर समाज है उसके अंदर भी, जैसे कि आप समझ लीजिए शिवरात्रि है या बीच के जो पर्व आते हैं उस दौरान कठिन तपस्या करने वाले, जैसे नवरात्रि के दौरान, नवरात्रि में जो अन्य समाज है हमारे जैन समाज के अलावा भी, वहाँ पर कठिन तपस्या होती है। हमारे भाई नरेश जी भी जो है 9 दिन तक बिना जूते चप्पल के हमारे ऑफिस आते हैं, तो उन तपस्याओं का भी सम्मान उनके गांव के स्नेह सम्मेलन के दौरान विशेष तौर पर होता है। आगामी दिनों में इस प्रकार की और भी चर्चा हम करेंगे। जल्दी मिलेंगे एक नए और एपिसोड के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल कलर के बटन को जरूर दबाएं। बने रहें प्रातःकाल लाइव के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।